प्रतीक्षा करो देवी, हम शीघ्र ही तुम्हें बंदी बनाने आ रहे हैं। ये काले मेघ, उसके साथ ये भीषण विद्युत प्रवाह, ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे ये किसी भावी बवंडर के संकेत। के वक्ष पर ही पांव रख दिया। ये कैसी भूल, कैसा अपराध हो गया हमसे। पिताश्री मां के क्रोध से आहत हो, ये तो हमारा आशय कदापि नहीं था। केवल पिताश्री ही मां के आवेश को शांत कर सकते हैं, इसीलिए हमने उनसे यहां आने का अनुरोध किया, किंतु ये तो उसके विपरीत ही हो गया है। नहीं पुत्र गणेश, नहीं कार्तिकेय, कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है। जो हुआ है उचित हुआ है। देखो गणेश, तुम्हारी युक्ति सार्थक रही। अपने हृदय को शांत करो और देखो, जिस प्रयोजन से महादेव यहां आए थे उन्होंने वही तो किया है। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा जैसे मुझसे कुछ अनुचित हो गया? स्वामी, मेरे प्रभु यहाँ, और मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु पर ही अपना पांव धर दिया मैंने। ये अपराध मुझसे कैसे हो गया? उमा, आपके मार्ग में स्थित होने के लिए मैं विवश था। आपको शांत करने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। ये मत भूलिए प्रिय कि शिव और शक्ति तो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश, अग्नि से उसका ताप, हम तो समस्त संसार में संयुक्त रूप से व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप उग्र होती हैं तो मैं आपको शांत करता हूं, और जब मैं उग्र होता हूं
तो आप मुझे शांत करने का कर्तव्य निभाती हैं। हमारे मध्य किसी प्रकार के दंभ और अपराध बोध का कोई स्थान नहीं है प्रिय। अज्ञानी है वो जो पुरुष को नारी से अधिक महत्व देते हैं, और आज की घटना के बाद ये सब उन सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। सत्य तो यही है कि नारी की शक्ति से रहित पुरुष शक्तिहीन है। नारी जब भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो उसका क्रोध प्रलय भी ला सकता है। तब पुरुष को अपना अहम त्याग कर यदि आवश्यकता हो तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनके क्रोध को शांत करना चाहिए। माता, आज शुंभ के असुरों का विनाश करने की प्रक्रिया में आपने हमें इस अद्भुत लीला का प्रत्यक्षदर्शी होने का अवसर प्रदान किया, जिसमें स्वयं पिताश्री इतने विनय पूर्वक आपके क्रोध को शांत करने हेतु प्रस्तुत हुए। हम कृतार्थ हुए माँ। जय महाकाली। चामुंडा देवी नमस्तुते। स्वर्गाधिपति शुंभ का मुकुट कोई नहीं छीन सकता। धूम्रलोचन का अंत हो गया, मेरे चंडमुंड भी शेष नहीं रहे, रक्त बीज का भी वध हो गया। मेरे इन महान योद्धा सेनापतियों का वध किसने किया? किसने किया? किसने किया ये सब कुछ? उस एक तुच्छ नारी ने। मदिरा ही मेरी एकमात्र संगनी है। ए! कौन है वहां? मुझे प्रकाश पीड़ा पहुंचाकर अशांत करने का दुस्साहस कर रहा है। मैं हूं असुर महानायक, आपका भ्राता, आपका प्रधान सेनापति निशुम। भ्राता निशुम? और मैं अभी भी जीवित हूं भ्राता शुम। जीवित हो अभी भी, किंतु कितने समय तक जीवित रहोगे? कदाचित तुम्हें खो देने का दुख सहना ही होगा मुझे। भ्राता, कितने समय तक जीवित रहूंगा, ये कैसा प्रश्न है भ्राता शुंभ? और मुझे खोने से आपको दुख होगा? कब से इस नकारात्मकता के सागर में डूबने लगे? नकारात्मक सोच। Yeah.
स्मरण है भ्राता शुंभ? आप वो हैं जिसके नाम से देवराज इंद्र भी कंपित होते हैं, और आज आप एक बालक के समान प्रतीत हो रहे हैं जिसकी क्रीड़ा करने की वस्तु कहीं खो गई है, और वहाँ वहाँ एकांत अंधकार में बैठकर आप अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। उचित कह रहे हो भ्राता, भ्राता। सत्य है, हाँ सत्य है कि मैं पराजित हो चुका हूँ। मुझे ज्ञात है भ्राता शुंभ कि इस समय आपके लिए क्या आवश्यक है। ये सेविकाएं क्यों आ रही हैं यहाँ? भ्राता शुंभ, आज की रात्रि आनंद उत्सव होगा यहाँ। भ्राता निशुंभ, मदिरा पान तो मैं कर रहा हूं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव तुम पर है। कैसा आनंदोत्सव, किसका उत्सव, कैसा उत्सव? भ्राता शुंभ, हमारी भावी विजय का उसका उत्सव होगा यहाँ। तो क्या हुआ यदि युद्ध में हमारे कुछ सेनापतियों का अंत हुआ? युद्ध में तो क्षति होती ही है, कुछ सैनिकों का भी अंत होता है, किंतु कल मैं स्वयं जाऊंगा देवी कौशिकी से युद्ध करने के लिए। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भय हारिणी भव तारिणी, भय हारिणी भव तारिणी, भव भामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। भ्राता निशुंभ, मैं तुम्हें स्वयं को संकट में डालने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे अनुज हो और तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मेरा है, इसलिए यदि कल कोई युद्ध करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं। भ्राता शुंभ, आप मुझे सुख से वंचित मत कीजिए। मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। कदाचित आपको अनुमान भी नहीं होगा कि उस दुष्ट को पराजित करके अपने इस हाथों से उसे खींच के लाने के लिए कितना कितना व्यग्र हूँ मैं। क्या ये संभव है? क्या वास्तव में निशुंभ उस देवी कौशिकी को बंदी बनाकर यहाँ ला सकता है? भ्राता शुंभ, शंका रहित होकर आप इस आनंद उत्सव में लीन हो जाइए, क्योंकि आज सभी अत्यंत उत्तम भोजन, मदिरा वस्त्र, आभूषण आपके लिए एकत्रित की है। हाँ, कदाचित यही उचित है। तो कहिए भ्राता शुंभ, कि आज अपने भ्राता के साथ विजय उत्सव का आनंद लेंगे? तुम्हारे विश्वास ने मेरी निराशा को दूर कर दिया है भ्राता निशुंभ। आज की रात्रि उत्सव होगा, हमारी विजय का उत्सव होगा। तो लीजिए भ्राता, आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ उपहार प्रस्तुत करता हूँ। आज होगा आनंद और कल होगी हमारी विजय।
हाँ भ्राता, तू ही सचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भोपा। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। आनंद आ रहा है, अति आनंद आ रहा है। आप क्यों युद्ध के लिए सज्जित हैं? मुझे ज्ञात है भ्राता, हमने निर्णय लिया था कि आज तुम युद्ध करोगे तो बस वैसा ही होगा। हाँ। किंतु मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा पराजित होने पर देवी कौशिकी के स्तब्ध भाव देखने का आनंद जो लेना है मुझे। भ्राता शुंभ, उचित है, सर्वथा उचित है। आइए प्रस्थान करें। हो रहा वही है विंध्याचल पर्वत। अच्छा, तो यही स्थान है, वहाँ छुपी बैठी है देवी कौशिकी। प्रतीक्षा करो देवी, हम शीघ्र ही तुम्हें बंदी बनाने आ रहे हैं। शुम शुम निशुम निशुम। अंततः ये दो असुर मृत्यु के मुख पर जाने के लिए स्वयं चले ही आए। अभी तो आकाश पूर्ण रूप से निर्मल था, उजला था, फिर अचानक प्रकृति में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये काले मेघ कैसे उत्पन्न हो गए?
जैसे मेघों से युद्ध का त्रिशूल धरती पे गिरा हो। ये काले मेघ, ये भयंकर गर्जना, उसके साथ ये भीषण विद्युत प्रवाह, ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे ये किसी भावी बवंडर के संकेत हो। अब एक निर्णायक युद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका है, किंतु वो युद्ध इस भयंकर बवंडर से सहस्त्रों गुना अधिक घातक और महाविनाशकारी होने वाला है। अहंकार का आवरण व्यक्ति से सत्य को समझने बूझने की क्षमता को क्षीण कर देता है और विनाश की ओर धकेल देता है। ऐ तुच्छ नारी, तुम्हारा शीश धर से विरक्त करूंगा मैं। युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुंग। राता निशुंग, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माया का भी अंत कर दूंगा। अंततः माँ ने इस दुष्ट का वध कर ही दिया। तुम मेरा वध नहीं कर सकती। सृष्टि पर आया ऐसा कौन सा संकट भारी जो त्रिदेव सहित सभी देव भी धरे रूप नारी देखिए विघ्नहर्ता गणेश में।